चांपा जिले के कोरबी धान खरीदी केंद्र में एक फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है और इस मामले में जो है नया मोड़ ले लिया है। इस मामले में संयुक्त ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के जरिए निलंबित किए गए अधिकारी एसके जोगी के खिलाफ की गई कार्रवाई वापस लेने की मांग की गई है। संघ ने कहा कि दोषी बनाए गए एसके जोगी ने पंजीयन का काम नहीं किया और ये कार्य तहसील कार्यालय से हुआ है। आए थे कि अभी परसों जो हमारे श्रीकांत जोगी जी हैं, शशिकांत जोगी, उनका निलंबन का और एफआईआर दर्ज कराया गया है धान खरीदी गड़बड़ी के कारण। लेकिन उसमें हमारा कहना यह है कि हमारे साथी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं शशिकांत जोगी जी, इन्होंने ना ऑनलाइन पंजीयन किया है ना ऑफलाइन पंजीयन किया है, और जो जांच समिति बैठी थी उन्होंने उससे पूछा भी नहीं है कि आपने पंजीयन किया है ना किया है। जांजगीर जिले में कोरबी करके ग्राम है, वहाँ पर फर्जी धान खरीदी के संबंध में जो एक शिकायत जिला प्रशासन को प्राप्त हुई थी, उस पर जो हम लोगों ने चार अधिकारी की टीम की अध्यक्षता में, यानी DRCS और DMO की अध्यक्षता में जो है हम लोगों ने एक टीम बना करके भेजा था, और टीम में जो वस्तुस्थिति मिली है उसमें ये पाया गया था कि चार लोगों के द्वारा है ना धान खरीदी में पिछले वर्ष जो है फर्जीवाड़ा किया है, उसी बेस पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई थी।